न्यायमूर्ति का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। न्यायमूर्ति का धर्म, भाषा, जात, हाँ जी, आईन कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आया, ये रंजन गोगोई का जजमेंट अकेला नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। जजों ने बैठ के 3-4 महीना हियरिंग करने के बाद 900 पन्ना 900 पेजेस का ये जजमेंट लिखा। ये जजमेंट सारे 500 जजों ने सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट एक ओपिनियन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जजमेंट धर्म के आधार पे नहीं, कानून के आधार पर लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लिखा गया। न्यायमूर्ति लोग, जजेस हजारों केस डिसाइड करते हैं, उसका फल एक पार्टी के पक्ष में होता है, एक पार्टी के विपक्ष में जाता है। उसमें न्यायमूर्ति को लेना कुछ नहीं, ये मन में रख के न्यायमूर्तियों अपना काम नहीं करते। न्यायमूर्ति अपना काम करते हैं आईन कानून और कॉन्स्टिट्यूशन, आईन के हिसाब से किसको क्या मिलना चाहिए, यही है कोर्ट कचहरी और का काम, जजेस के काम। यही काम राम जन्मभूमि केस में भी हुआ है। नमः पार्वती।